अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं ट्यूटोरियल के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल के बारे में, ठीक है। क्यों, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का पर्पस क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं। बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँगी। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, बट ये है कि जो लेमैन हैं या जो स्टार्टिंग में बिगनर्स हैं उनके लिए ये ट्यूटोरियल बेस्ट है, आई थॉट। चलें जी, अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। इसमें तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ओके, एंड द सेकंड इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉमन सेंस से अगर आप देखें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका क्या मतलब है, लाइक गूगल रैंक में आपकी वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज पे आए, ठीक है, टॉप पे आए, सिंपल सी बात है। अगर हम कॉमन भी देखा जाए तो इसका यही मतलब बनता है, लेकिन इसके लिए कुछ स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो वेबसाइट है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, उसका कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वो लॉन्च होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी हमारी वेबसाइट जो है वो लॉन्च ही नहीं हुई और पहले ही जो है हम SEO के प्लान्स कर रहे हैं कि यार ये गूगल में कैसे आएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर हम आगे बात करते हैं वेब ट्रैफिक, इसका मतलब यह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीजेस द वेब ट्रैफिक थ्रू कीवर्ड्स टू रैंक द वेबसाइट ऑन गूगल सर्च। मतलब कुछ कीवर्ड्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू गूगल जो है गूगल में हमारी वेबसाइट रैंक कर रही होती है, रैंक करके ऊपर आती है। कीवर्ड्स मोस्टली होते हैं कॉमन वर्ड्स या फिर कुछ फ्रेजेस होते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज के अकॉर्डिंग होते हैं, लाइक हम लोग कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज जो सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ फ्रेजेज होते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली वर्ड्स यूज़ करते हैं लोग कुछ भी सर्च करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, अब मैंने सर्च करना है कुछ, मैं कुछ सॉन्ग्स सर्च करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए इंडियन सॉन्ग्स चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, लेटेस्ट इंडियन सॉन्ग्स लिखूँगी, तो होगा क्या, जितने भी सॉन्ग्स हैं, जो भी अपकमिंग सॉन्ग्स हैं 2019 में हैं या लेटेस्ट जो भी सॉन्ग्स हैं वो सारे के सारे शो हो जाएंगे, मुझे गूगल सर्च में आ जाएंगे। और उसके अलावा मैं कोई चीज़ आपको बताती हूँ, गूगल पे ही बता देती हूँ, यस। इसमें हमारे पास एक और तरीका है, लाइक अब मैं हाँ, लेकिन एक और काम भी है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि IT कंपनी है और इसमें हम लोग जो है कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं वो कोई और यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कीवर्ड्स भी ऑफ कोर्स कॉमन सेंस ही बात है, उसी से रिलेटेड होगा जो हमारी कंपनी या जो प्रोडक्ट या सर्विस होगी। अब मैं करती हूँ जी IT कंपनी सर्च, ठीक है, IT कंपनी सर्च करना चाह रही हूँ। अब IT कंपनी में क्या है, हम यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर टॉप पर आपको नज़र आएंगे, लेट मी हाईलाइट अबाउट 21180 समथिंग, ये रिज़ल्ट है जी IT कंपनी का। अब हम इसको सर्च करते हैं कीवर्ड को कि कितना टाइम ये कीवर्ड जो है इस पेज के ऊपर आया है, 17 टाइम, ठीक है, IT कंपनी का कीवर्ड 17 टाइम पे इस पेज पे आया है, ठीक हो गया। IT कंपनी के अलावा अब एक और चीज़ है हमारे पास कि हमने कीवर्ड्स कैसे हमने फाइंड आउट करने हैं अपनी कंपनी के लिए। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम यूज़ करें गूगल ऐड में हमने यूज़ करना है कीवर्ड प्लानर के थ्रू। हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने भी कुछ फाइंड आउट किए हुए हैं, अब ये मैंने जो किए हुए हैं आपके सामने हैं, एक है लर्न डेमो ट्यूटोरियल लेसन क्लास टीच एंड गाइडलाइंस, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे मैंने फ़ाइंड आउट किए हैं गूगल से। कैसे, जैसे कि मैंने IT कंपनी सर्च किया था, यहाँ पे IT कंपनी सर्च किया था, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट मिल गया कि ये इतनी सर्चेज हैं। अगर आप कीवर्ड प्लानर के थ्रू सर्च नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से गूगल में जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज़ द अनदर वे कीवर्ड फाइंड आउट करने का, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने अंदाज़ा लगा लिया, गेस लगा लिया कि अब इसमें से बेस्ट कीवर्ड कौन सा है जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने ट्यूटोरियल के लिए। अब इसमें मुझे मिले दो, लर्न अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। अब मैंने इन दोनों को किया क्या, इन दोनों को मैंने हैशटैग में इसको इन दोनों को मैंने कीवर्ड प्लानर्स के थ्रू फाइंड आउट किया किसके रिजल्ट्स ज़्यादा हैं, जिसके रिजल्ट्स
जिसका वॉल्यूम ठीक है गूगल वॉल्यूम ज़्यादा होगा मैं उन्हीं को यूज़ करूँगी, जिनका वॉल्यूम कम होगा वो मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि उसके थ्रू मेरा गूगल रैंक नहीं करेगा। और अभी मैं और मज़ीद आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह बताऊँगी, लेकिन अभी मेरा फ़र्स्ट ट्यूटोरियल है और इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से मैं अभी आपको स्टार्टिंग में सिर्फ़ यही चीज़ें बता रही हूँ। और उसके अलावा ऑनवर्ड अगर हम बात करें तो SEO में आता है जी ऑन पेज साइड और ऑफ पेज साइड, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कशन करेंगे और मज़ीद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कशंस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। और उसके अलावा अगर आप लोग कोई अपने ओपिनियंस देना चाह रहे हैं तो आप अपने कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, होप ऑल आर वेल। और कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने नेटवर्क में भी शेयर कर लें। इट विल बी ग्रेट प्लेयर फॉर मी। वेल थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।